स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल मेंटोर शेफाली। आज की इस वीडियो में हम लोग बीसीए सेकंड सेमेस्टर पंजाब यूनिवर्सिटी के हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है डिस्कस करने लगे हैं, फंडामेंटल्स ऑफ वेब प्रोग्रामिंग के, जो आपके पंजाब यूनिवर्सिटी के जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं उसमें आप लोगों को बहुत हेल्पफुल होंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन द टर्म्स वेब सर्वर। वेब सर्वर होता क्या है? वेब सर्वर इज अ डेडिकेटेड कंप्यूटर रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग वेबसाइट सिटिंग आउट ऑन दोज कंप्यूटर समवेयर ऑन द इंटरनेट। ये होता है हमारा वेब सर्वर। और वेब सर्वर की हमने यहां कुछ कैटेगरीज लिखी हैं, जैसे कि HTTP, FTP, मेल सर्वर। दीज आर सम कैटेगरीज ऑफ द वेब सर्वर। नेक्स्ट हमारी टर्म है वेब क्लाइंट या फिर वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इट इज यूज्ड टू एक्सप्लोर www, दैट इज वर्ल्ड वाइड वेब, एंड इट प्रोवाइड्स एन इंटरफेस बिटवीन द सर्वर एंड द क्लाइंट रिक्वेस्ट टू द सर्वर फॉर वेब डॉक्यूमेंट्स एंड सर्विसेज। और जो इसके एग्जाम्पल आते हैं वो आपके ब्राउजर्स आ जाते हैं, जैसे कि आपका गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, सफारी, माइक्रोसॉफ्ट एज, ओपेरा, ये सब जो ब्राउजर है वो आपके एग्जाम्पल हो जाते हैं वेब क्लाइंट और ब्राउजर के। नेक्स्ट हम लोगों की टर्म आती है HTTP, दैट इज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दैट प्रोटोकॉल डिफाइन्स हाउ अ कम्युनिकेशन बिटवीन अ क्लाइंट एंड अ सर्वर शुड टेक प्लेस ओवर द इंटरनेट, कि किस तरह से हम लोगों ने कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराना है क्लाइंट के बीच में और सर्वर के बीच में, ये सब काम होता है HTTP का। नेक्स्ट टर्म है हमारी वेब पेज। वेब पेज क्या है? वेब पेज एक डॉक्यूमेंट है दैट इज टू बी डिस्प्लेड ऑन द वेब ब्राउजर। इट कंटेन्स योर टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियो एंड मल्टीमीडिया एलिमेंट्स। जैसे कि आप कोई वेबसाइट ओपन करते हो, वेबसाइट होने के ओपन करने के बाद जो है बेसिकली वेबसाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट वेब पेजेस। जो आपके सामने पहला पेज खुल के आता है वो भी हमारा वेब पेज है। आप उस वेब पेज पे देख सकते हो कि कितनी आपको ऑप्शन मिलती है, कुछ टेक्स्ट में लिखा होता है, कुछ इमेजेस होती है, तो वो हमारा क्या हो गया? वेब पेज हो गया, जो कि कॉम्बिनेशन है किसका? मल्टीमीडिया एलिमेंट्स का। नेक्स्ट हमारी टर्म आती है www। www स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब एंड इट इज बेस्ड ऑन क्लाइंट सर्वर मॉडल। इट कंटेन द वेब पेजेस आर रिटन इन HTML एंड मे कंटेन टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियो एंड अदर मल्टीमीडिया एलिमेंट्स। नेक्स्ट इज अवर URL। URL स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। बेसिकली एड्रेस होता है, इट इज अ वेब एड्रेस यूज टू आइडेंटिफाई एंड लोकेट द रिसोर्सिस ऑन द इंटरनेट। जैसे कि देखो मैंने एग्जाम्पल दिया हुआ है URL का, www.google.com। अब URL के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? डोमेन नेम, पाथ, क्वेरी स्ट्रिंग, ये जो है URL इन सबके कॉम्बिनेशन से बना होता है। तो ये तो हमारा था URL, दैट इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट हमारा टर्म है डोमेन नेम। डोमेन नेम कंसिस्ट ऑफ वन और मोर लेबल सेपरेटेड बाय डॉट्स। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया हुआ है www.example.com इज अ डोमेन नेम, इसी तरह www.google.com इज अ डोमेन नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है व्हाट इज वेबसाइट एंड टाइप्स ऑफ वेबसाइट। वेबसाइट क्या है? वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। और वेब पेजेस में हमारा क्या है? मल्टीमीडिया के एलिमेंट्स, जो कि टेक्स्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपके इमेजेस दिखा रहे हैं, ऑडियो दिखा रहे हैं, वीडियो दिखा रहे हैं, हमारा सब ये वेब पेजेस के ऊपर बना हुआ होता है। और एक वेबसाइट के अंदर डिफरेंट टाइप के वेब पेजेस होते हैं और हर एक वेबसाइट का कोई ना कोई एड्रेस होता है जिसको हमने URL बोला था। हमारी वेबसाइट दो तरह की होती है, स्टैटिक वेबसाइट्स एंड डायनामिक वेबसाइट्स। स्टैटिक वेबसाइट्स वो हो गई जिसके अंदर हम इंटरेक्ट नहीं कर सकते, डायनामिक नहीं होती। दे आर टिपिकली यूज्ड फॉर सिंपल इंफॉर्मेशनल पर्पसेस, वो तो है हमारी स्टैटिक वेबसाइट्स। और डायनामिक वेबसाइट्स जो हमारी डायनामिक है, जहां पे कंटेंट जो है इंटरेक्टिव होता है, जहां पे आप अपनी क्वेरीज डाल सकते हो, आपको साथ साथ उसका रिप्लाई भी मिल सकता है, वो होती है हमारी डायनामिक वेबसाइट्स। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट, इंट्रानेट एंड एक्सट्रानेट, इनके बीच में डिफरेंस क्या है? इसको आप टैबुलर फॉर्म में भी हम लोग देखेंगे। अभी हम यहां पर डेफिनेशन देखते हैं इंटरनेट, इंट्रानेट और एक्सट्रानेट की। इंटरनेट क्या? इट्स अ ग्लोबल नेटवर्क एंड इट इज यूज्ड फॉर शेयरिंग इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन एंड एक्सेसिंग वेरियस ऑनलाइन सर्विसेज।
ये तो हो गया इंटरनेट जो कि हम लोग सभी यूज कर रहे हैं. नेक्स्ट आ जाता है इंटरनेट. इंटरनेट जो है इट्स अ प्राइवेट नेटवर्क दैट इज असेसिबल ओनली टू द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी. ये सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के लिए डेवलप किया जाता है, पर्टिकुलर कंपनी के लिए बनाया जाता है, जहां पे इंटरनल कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन और रिसोर्सेज की शेयरिंग हो सके इंटरनेट के अंदर. इंटरनेट में रिसोर्सेज की शेयरिंग नहीं होती, लेकिन इंटरनेट में शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज पॉसिबल है. नेक्स्ट आता है हमारा एक्सटरनेट. एक्सटरनेट भी हमारा प्राइवेट नेटवर्क है एंड इट इज असेसिबल टू द ऑथराइज यूजर आउटसाइड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. यहाँ पे हम दो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के बीच में एक्सटरनेट जो है वर्क आपका कर सकता है. एंड इट इज मेनली यूज्ड फॉर कोलैबोरेशन, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. यहां पर भी हम रिसोर्सेज की शेयरिंग नहीं कर सकते. तो ये कंपैरिजन देखिए, यहां मैंने इस कंपैरिजन को टैबुलर फॉर्म में बताया हुआ है. वही जो डेफिनेशन में टर्म्स मैंने बताई थी वैसे यहां पे बताया हुआ है. जैसे कि हम लोग देखते हैं, इंटरनेट पब्लिक है, इंटरनेट प्राइवेट, एक्सटरनेट पार्शली प्राइवेट, सॉरी इंटरनेट ग्लोबल, इंटरनेट लोकल, एक्सटरनेट वाइड एरिया नेटवर्क, इंटरनेट मल्टी यूजर्स, इंटरनेट में लिमिटेड यूजर होते हैं, एक्सटरनेट में ऑथराइज यूजर्स ओनली. इंटरनेट में थोड़ी सिक्योरिटी कम हो जाती है कंपैरेटिवली इंटरनेट और एक्सटरनेट में. इनमें हाई सिक्योरिटीज होती हैं क्योंकि प्राइवेट बने होते हैं ये. और इंटरनेट में शेयरिंग होती है, वहां पे इंटरनेट में कम्युनिकेशन और एक्सटरनेट में कोलैबोरेशन चलता है. इंटरनेट के एग्जांपल्स हो गए आपके गूगल, याहू. इंटरनेट के एग्जांपल हो गए आपके कंपनी पोर्टल. और एक्सटरनेट के एग्जांपल हो गए आपके क्लाइंट वेंडर पोर्टल्स एंड प्रोजेक्ट कोलैबोरेशन. अगर हम बात करते हैं कॉस्ट की, तो इंटरनेट में असेस चार्जेस लगते हैं हम लोगों के, इंटरनेट में इम्प्लीमेंटेशन और एक्सटरनेट में इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट. तो ये टैबुलर फॉर्म में हम लोगों ने डिफरेंस देखा है इंटरनेट, इंटरनेट एंड एक्सटरनेट का. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है डिफाइन एचटीएमएल. एचटीएमएल क्या है? सबसे पहले हम एचटीएमएल की फुल फॉर्म देखते हैं. एचटीएमएल स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और इट इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस एंड अदर टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स दैट आर डिस्प्लेड इन वेब ब्राउजर. इसमें हम डिफरेंट टाइप के टैग्स यूज करते हैं, एट्रीब्यूट्स यूज करते हैं एक वेब पेज को प्रेजेंटेबल फॉर्म में बनाने के लिए. इसके कुछ टैग्स होते हैं जिनके हेल्प से जो है हम लोग बहुत अच्छा एक वेब पेज डेवलप कर सकते हैं. ये है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एचटीएमएल प्रोग्राम का. तो आप देखिए यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर क्रिएट किया हुआ है. सबसे पहले डॉक टाइप एचटीएमएल, इट टेल्स द टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट. आफ्टर दैट एचटीएमएल, एचटीएमएल इज द रूट एलिमेंट. HTML के अंदर जो है हमारा हेड सेक्शन है. हेड के अंदर इट कंटेन्स द हेडर इन्फॉर्मेशन. हेड के अंदर हमारा टाइटल है जिसके अंदर हम टाइटल ऑफ द पेज लिखेंगे और टाइटल का हमने एंगुलर ब्रैकेट में देखो एंड भी कर दिया. और टाइटल हमेशा हेड सेक्शन में आएगा और हेड उसके बाद बंद हो जाएगा. उसके बाद हमारी बॉडी सेक्शन स्टार्ट होगा. बॉडी कंटेन्स द कंटेंट ऑफ द पेज. जो पेज पे कंटेंट हम लोगों को नजर आने वाला है वेब पेज पे, वो हमारा लिखा जाता है बॉडी सेक्शन के ऊपर, बॉडी सेक्शन के अंदर. यहीं पर हम टैग्स वगैरह लगाएंगे. उसके बाद देखिए जैसे कि हमारा बॉडी का एंड हो जाता है, देखो हमने एंगुलर ब्रैकेट में बॉडी का स्लैश बॉडी से हम लोगों ने एंड किया होगा टैग का. जहां पे स्लैश लग जाता है वो हमें रिप्रेजेंट करता है कि बॉडी वो जो सेक्शन है वो बंद हो गया. तो अब नीचे जाके देखिए लास्ट में हमने एचटीएमएल को भी बंद कर दिया. तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द एचटीएमएल प्रोग्राम. नेक्स्ट आते हैं हमारे एचटीएमएल में फॉर्मेटिंग टैग्स. हम कौन कौन से यूज कर सकते हैं? फॉर्मेटिंग टैग्स का बेसिकली पर्पस होता है किसी भी चीज को बहुत एक अच्छा अपीलिंग वे में बनाना, उसकी लुक्स को अच्छा बनाना. तो ये फॉर्मेटिंग टैग्स जो है हमारी हेल्प करते हैं एचटीएमएल में कि हम एक वेब पेज को एक अच्छी रिप्रेजेंटेबल फॉर्म में बना सके. ये टैग जैसे कि हमारा बोल्ड हो गया, इटैलिक हो गया, अंडरलाइन हो गया, कलर चेंज करना है, तो ये डिफरेंट टाइप के टैग्स हम लोगों को अवेलेबल होते हैं. अब हमने HTML के टैग्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, फिजिकल टैग एंड लॉजिकल टैग. फिजिकल टैग्स आर यूज्ड टू प्रोवाइड द विजुअल अपीयरेंस टू द टेक्स्ट एंड लॉजिकल टैग्स आर यूज्ड टू ऐड सम लॉजिकल और सिमेंटिक वैल्यू टू द टेक्स्ट. ये हमारे कुछ टैग्स जो है जिसमें कुछ लॉजिकल टैग्स हैं, कुछ हमारे फिजिकल टैग हैं. जैसे कि बी टैग, दिस इज यूज्ड टू बोल्ड द टेक्स्ट, दिस इज फिजिकल टैग. स्ट्रॉन्ग टैग, ये हमारा लॉजिकल टैग है. आई टैग, ये हमारे इटैलिक करने के लिए काम होता है. ई एम टैग,
ईएम टैग भी हल्का सा हमारे टेक्स्ट को इटैलिक फॉर्म में कर देता है। मार्क टैग ये हाईलाइट कर देता है टेक्स्ट को। यू टैग दिस इज यूज्ड फॉर अंडरलाइनिंग द टेक्स्ट। टीटी टैग्स दिस इज फॉर अपने टेक्स्ट को टेलीटाइप की फॉर्म में लिखना, वहां हम यूज करेंगे। स्ट्राइक टैग आपके टेक्स्ट के ऊपर स्ट्राइक लाइन लग जाएगी। सब सुपर इसे बोलते हैं सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट। सब ये हमारा होता है कि थोड़ा सा हम लोगों ने अपने अल्फाबेट को थोड़ा सा ऊपर करके लिखना है तो हम सुपर स्क्रिप्ट यूज करेंगे। सब टैग के अंदर स्लाइटली बिलो द नॉर्मल लाइन। और डेल से डिलीट द कंटेंट। इन आई एन ए से डिस्प्लेस द कंटेंट विच इज एडिड। बिग से थोड़ा साइज बड़ा हो जाएगा, स्मॉल से स्मॉल हो जाएगा। ये तो कुछ टैग्स मैंने आपको बताए, अदरवाइज बहुत सारे टैग्स हैं एचटीएमएल में जो हम यूज करते हैं एक वेब पेज को अपीलिंग बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, एक्सप्लेन द वर्किंग विद लिस्ट यूजिंग एचटीएमएल टैग्स। अब लिस्ट हम लोगों को बतानी है कि एचटीएमएल टैग्स के थ्रू हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। लिस्ट बेसिकली क्या होती है, जैसे मैंने आपको बोला इनपुट डिवाइसेस बताओ, तो आप क्या बोलोगे, नंबर वन कीबोर्ड, नंबर टू माउस, तो आप लिस्ट क्रिएट कर रहे हो, तो वो होती है हम लोगों की लिस्ट। इसी तरह हम एचटीएमएल में लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। एचटीएमएल में हमारे पास थ्री टाइप की लिस्ट होती है, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट को हम नंबर लिस्ट ही बोलते हैं, अनऑर्डर लिस्ट को हम बुलेटेड लिस्ट भी बोलते हैं, और डिस्क्रिप्शन लिस्ट को हम डेफिनेशन लिस्ट भी बोलते हैं। अब इनकी वर्किंग देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले यहां पे हम देखने लगे हैं ऑर्डर लिस्ट और नंबर लिस्ट। अब ऑर्डर लिस्ट में देखिए, ऑर्डर लिस्ट को यूज करने के लिए हम लोग जो टैग यूज करेंगे ओएल टैग, और जो उसमें लिस्ट आइटम्स होगी उनके लिए हम यूज करेंगे एलआई टैग। अब आप इसका कोड देखिए नीचे, ओएल टैग से जो है मैंने यहां पर स्टार्ट किया ऑर्डर लिस्ट को, उसमें एलआई एरीज, एलआई बिंगो, और एलआई को हमने एनडीबी किया टैग का, एलआई लियो, एलआई ओरेकल। तो जब हमने इसको रन किया तो देखिए आउटपुट क्या आया, यहां पे इसके आगे न्यूमेरिकल वैल्यूज एड हो गई 1, 2, 3 एंड 4। तो ये होता है हम लोगों का ऑर्डर लिस्ट का एलआई टैग। नेक्स्ट आता है हमारा अनऑर्डर लिस्ट और बुलेटेड लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट देखिए, यहां पे हम लोगों ने बुलेट्स लगाए, स्टार्स लगाए, यहां पे हम लोग नंबर को नहीं डाल रहे हैं। तो अनऑर्डर लिस्ट के लिए जो टैग यूज करेंगे स्टार्ट होगा यूएल से, और जो इसमें हम आइटम्स डालेंगे वो डालेंगे एलआई टैग के अंदर। देखिए यूएल हम लोगों ने स्टार्ट किया अनऑर्डर लिस्ट के लिए, और इसमें एलआई लिस्ट आइटम का हमने टैग डाला जिसमें हमने एरिज लिखा, बिंगो, लियो और एक्कल। अब देखो जब हमने इसको रन किया तो इसके आगे बुलेट्स लग के आए, यहां पे नंबर नहीं लग के आए, क्योंकि यहां पे हमने यूज किया अनऑर्डर्ड लिस्ट टैग और बुलेटेड लिस्ट टैग, यहां पे हमने ऑर्डर्ड नहीं यूज किया, ऑर्डर्ड में हम लोग नंबर डालते थे। नेक्स्ट आ जाता है हमारा डिस्क्रिप्शन लिस्ट और डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट इज वेरी अप्रोप्रिएट व्हेन यू वांट टू प्रेजेंट ग्लोसरी लिस्ट ऑफ टर्म्स और द नेम वैल्यू लिस्ट। बेसिकली डेफिनेशन लिखनी है, कुछ टर्म्स को डिफाइन करना है, उस केस में जो है हम डेफिनेशन लिस्ट टैग को यूज करेंगे। ये टैग्स हमारे तीन तरह के हैं, डीएल, डीटी, डीडी। डीएल टैग क्या करेगा, डिफाइन द स्टार्ट ऑफ द लिस्ट, ये स्टार्टिंग सबसे। डीटी से हम टर्म को डिफाइन करेंगे जिसकी डेफिनेशन हम लोगों ने लिखनी है, और डीडी के अंदर उस टर्म की डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे। अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं, आप ये कोड देखिए, डीएल हमारा स्टार्टिंग हो गया, डीटी हमारा वो टर्म होगी जिसकी हमने डेफिनेशन लिखनी है, वो हमने डीटी में लिख दिया, जैसे मैंने यहां पे लिखा एरेज। और डीडी के अंदर मैंने क्या लिखा, उसकी डेफिनेशन लिखी जिसमें मैंने क्या लिखा, वन ऑफ द 12 हॉरोस्कोप साइन। इसी तरह बिंगो के बारे में लिखा मैंने डीटी में, फिर डीडी में उसकी डिस्क्रिप्शन दी। इसी तरह लियो के बारे में लिखा डीटी में, और उसके बाद डीडी में उसकी डिस्क्रिप्शन दी, उसके बाद डीएल को मैंने लास्ट में बंद कर दिया। आप इसका आउटपुट देख सकते हो, ये बिल्कुल डेफिनेशन फॉर्म में, ग्लॉसरी फॉर्म में हम लोगों को आउटपुट मिल गया डेफिनेशन लिस्ट का, ये एग्जाम्पल था। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सप्लेन एचटीएमएल टेबल टैग। टेबल क्या होते हैं, जो कि हमारे रोज एंड कॉलम्स में डिवाइड होते हैं, जो हमारे टेबुलर फॉर्म में होते हैं, तो वो होते हैं हमारे टेबल्स। टेबल को क्रिएट करने के लिए हम यूज करते हैं टेबल टैग, और उस टेबल के अंदर हमारे तीन तरह के टैग यूज होते हैं, टीआर, टीडी एंड टीएच। जो टीआर है दैट इज फॉर टेबल रो, टेबल हेडर के लिए टीएच, और टेबल डाटा के लिए हम यूज करते हैं टीडी टैग्स। ये डिस्क्रिप्शन मैंने दी हुई है कि सबसे पहले जो टेबल टैग है इट डिफाइंस अ टेबल, टीएच डिफाइंस अ हेडर सेल इन अ टेबल,
TR defines a row in a table, TD defines a cell in a table, caption defines a caption, table caption, जो भी नाम रखना चाहते हो टेबल का, call group specifies a group of one or more column in a table for formatting, and call tag specifies the properties of each column with call group element, thread groups the header content in a table, tbody groups the body content in a table, tfoot groups the footer content in a table. तो ये टैग्स जो है हम लोग यूज करते हैं टेबल को क्रिएट करने के लिए. इस सारे टैग्स हमें जरूरत नहीं पड़ती, जितने हमें रिक्वायर्ड होते हैं हम वो यूज करते हैं. TH, TR, TD ये तो हमेशा चाहिए चाहिए होते हैं. इसके अलावा भी हमारे बहुत सारे टैग होते हैं जैसे कोल स्पैन, रो स्पैन, तो वो सेल पैडिंग, तो वो हम लोग अभी आगे इसको देखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन फ्रेम्स इन HTML. ये एग्जाम्पल देखो, फ्रेम्स मतलब अपनी स्क्रीन को हमने वर्टिकल या हॉरिजेंटल पार्ट्स में डिवाइड करना, उसके डिफरेंट फ्रेम्स बनाना. तो इसके लिए हम यूज करते हैं फ्रेम टैग को. फ्रेम टैग इज यूज विथ फ्रेम सेट एंड इट डिवाइड्स अ वेब पेज इनटू मल्टीपल सेक्शंस और फ्रेम्स एंड ईच फ्रेम कैन कंटेन डिफरेंट वेब पेजेस. तो आप ये एग्जाम्पल देखिए, मैंने बताया हुआ है कोड. यहाँ पे हम लोगों ने अपने स्क्रीन को, अपने वेब पेज को डिवाइड किया 25%, 50% और 25% के अंदर कॉलम्स में. तो आप देख सकते हो लास्ट के जो दो हैं, जहां फर्स्ट फ्रेम लिखा रहा है और थर्ड फ्रेम लिखा रहा है, ये हमारा 25% एरिया लिया हुआ है, और जो सेंटर वाला कॉलम है इसने हमारा जो रिमेनिंग 50% बचता है वो लिया हुआ है. इस तरह से जो है अपने आप अपने वेब पेज को डिवाइड कर सकते हो फ्रेम्स के अंदर. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन CSS कि CSS क्या होता है. CSS स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट एंड इट्स अ स्टाइल शीट लैंग्वेज यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग द प्रेजेंटेशन ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट. CSS इज यूज्ड टू कंट्रोल द लेआउट, कलर्स, फॉन्ट्स एंड अदर विजुअल एलिमेंट्स ऑफ अ वेब पेज. अब HTML से हमने टैग्स लगाए और अपनी वेब पेज को बहुत अच्छा बनाया. अब CSS से हम अपने टैग को बहुत अपीलिंग और भी अच्छा बना सकते हैं, और ये हमारे एरिया को भी ब्रॉडर कर देता है ताकि हम लोग जो है वेब पेज को अच्छे तरीके से डिजाइन कर सकते हैं और उसकी एसेसिबिलिटी को भी बढ़ा सकते हैं. अब हमारे तीन टाइप के CSS होते हैं. पहला है हमारा इनलाइन CSS, सेकेंड होता है हमारा इंटरनल CSS, थर्ड है हमारा एक्सटर्नल CSS. इंटरनल इनलाइन CSS इज यूज टू अप्लाई CSS डायरेक्टली टू अ स्पेसिफिक HTML एलिमेंट. अगर आपने अपने प्रोग्राम में एक पर्टिकुलर एलिमेंट के ऊपर CSS को अप्लाई करना है तो आप यूज करोगे इनलाइन CSS. अगर आप पूरे होल वेब पेज के ऊपर अप्लाई करना चाहते हो तो आप यूज करोगे इंटरनल CSS को. देखिए मैंने क्या लिखा है, इंटरनल CSS इज यूज टू अप्लाई CSS स्टाइल्स टू अ होल वेब पेज. और एक्सटर्नल CSS से क्या हुआ, जितने भी वेबसाइट के अंदर वेब पेज होंगे सबके ऊपर अप्लाई हो जाएगा आपका एक्सटर्नल CSS. तो आप देखो इनलाइन CSS ने क्या किया, पर्टिकुलर एलिमेंट के ऊपर अप्लाई हुआ. इंटरनल CSS एक होल वेब पेज के ऊपर अप्लाई हुआ. एक्सटर्नल CSS कंप्लीट या होल वेबसाइट के ऊपर अप्लाई हुआ. तो ये थे हमारे तीन तरह के CSS, इनलाइन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ हाउ अ ब्राउजर कम्युनिकेट विद अ वेब सर्वर. अभी मैं आपको इनका मीनिंग भी बता चुकी हूं. तो विद द हेल्प ऑफ HTTP, विद द हेल्प ऑफ HTTP दैट इज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल वेब ब्राउजर कम्युनिकेट विद द वेब सर्वर. कैसे, व्हेन यू क्लिक ऑन अ वेब पेज, सबमिट अ फॉर्म और रन अ सर्च, द ब्राउजर सेंड्स एन HTTP रिक्वेस्ट टू द सर्वर. HTTP की हेल्प से जो है वो कम्युनिकेट कर सकता है. और ये जो है मैंने कुछ रिक्वेस्ट के लिए जो प्रोसेस यूज होता है वो भी मैंने आपको तीन पॉइंट बताए हैं. तो आप इनके हेल्प से भी आप समझ सकते हो कि किस तरह से जो है कम्युनिकेशन आपस में बनता है. सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो समझ आई होगी और ये क्वेश्चंस जो है आपको बहुत हेल्प करेंगे एग्जाम में. तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स को भी जरूर बताइए ताकि उन लोगों को भी इस चैनल का बेनिफिट मिल सके. थैंक यू ऑल.